अज़ीज़ तुलबा तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने इसके पहले तमहीदी वीडियो में देखा और समझा कि आज का जो हमारा सबक है, टॉपिक है, जो कि जमात नवम मज़मून तारीख और सबक नंबर 3 भारत को दरपेश दाखिली मसाइल, जो कि कुछ दाखिली मसाइलों पर मुनहसर है। तो प्यारे बच्चों, आइए उसी का अगला मरहला यानी इक्तसाब नंबर 1, जिस पर आज हम रोशनी डालेंगे, जिसमें हम ऑपरेशन ब्रोस्टा, पंजाब में बेचैनी यानी पंजाब में बदअमनी और शुमाल मशरकी भारत का मसला और दिगर मसलों पे जो हम रोशनी डालने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए पंजाब में बेचैनी यानी पंजाब में बदअमनी। पंजाब में अकाली दल एक नुमाया सियासी जमात थी, जिन्होंने 1973 में आनंदपुर साहब तजवीज मंजूर की, जिसमें चंडीगढ़ की पंजाब को हवालगी और दिगर रियासतों के पंजाबी जबान बोलने वाले तमाम इलाकों का रियासत पंजाब में इंतजाम और फौज में पंजाब की नुमाइंदगी में इजाफा, पंजाब को मजीद खुद मुख्तार जैसे मुतालबात भी शामिल थे। और 1977 में पंजाब में अकाली दल सरबर इक्तदार में आई, यानी उन्होंने वहां पर बागडोर संभाली। अकाली दल इक्तदार पर काबिज होते ही पुराने मुतालबात के साथ साथ पंजाब को नदियों के पानी में ज्यादा हिस्सा और अमृतसर शहर को मुकद्दस शहर का दर्जा देने के जैसे मुतालबात भी जो है शामिल थे। 1980 में पंजाब में आजाद खालिस्तान ने जड़ पकड़ी और इनकी कयादत जो है अकाली दल की कयादत हरचरण सिंह लोंगवाल कर रहे थे। वो अमृतसर के मंदिर में बैठकर अपने कारकरान का मुजाहरा करने की हिदायतें दे रहे थे और दूसरी तरफ भिंडरांवाला और उनके कुछ कारकरान ने सुवर्ण मंदिर पर कब्जा कर लिया, वहां पे रेत के थीले जमा दिए और गर्द नवा जैसा माहौल हो गया।